नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आपका स्वागत है एक्सेस भारत में। तो चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली लिस्ट जारी होने से पहले सांसद स्वेच्छा से राजनीतिक जिम्मेदारियां छोड़ने की बात कर रहे हैं। 2 मार्च को सुबह पहले दिल्ली ईस्ट से भाजपा सांसद गौतम गंभीर ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को सोशल मीडिया पर राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त करने की बात कही है। इसके बाद दोपहर में हजारीबाग झारखंड से सांसद जयंत सिन्हा ने भी भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से रिक्वेस्ट की कि उन्हें राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए। फरवरी में जयंत सिन्हा को सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया था। जयंत अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्री रहे यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। सिन्हा ने एक्स पर लिखा, मेरा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से निवेदन है कि मुझे चुनावी दायित्वों से मुक्त करें। मैं ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से जुड़े भारत और दुनिया में चल रहे काम पर फोकस करना चाहता हूं। मैं पार्टी के इकोनॉमिक और गवर्नेंस से जुड़े काम करता रहूंगा। बीते 10 साल से मुझे देश और हजारीबाग के लोगों के लिए काम करने का मौका मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जो मौके दिए उसके लिए आभारी हूं। वहीं गौतम गंभीर ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को टैग किया। उन्होंने जेपी नड्डा से रिक्वेस्ट की कि उन्हें राजनीतिक जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए। गंभीर ने राजनीतिक जिम्मेदारियां छोड़ने की वजह भी बताई। लिखा, अब वो क्रिकेट से जुड़े अपने कमिटमेंट्स को पूरा करना चाहते हैं। गंभीर ने देश सेवा का मौका देने के लिए पीएम मोदी और अमित शाह का आभार भी जताया है।